किसान न्यूज चैनल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अपने अभी नया शुरू किया है। अच्छा हाँ, मेरा गांव बहुआ है। क्या बात है, हमारे हल्के में हमारे साथ शॉर्ट ही रखना जी, देर से चलिए। बिल्कुल 2 सेकंड है। किसान न्यूज चैनल पर बवाई बिश्नोई का बिल्कुल स्वागत है। तो आपसे, आप पहली बार राजनीति में आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? राजनीति में पहली बार नहीं आया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहली बार आया हूँ। 2013 से मैं छात्रों के युवाओं के मुद्दे उठाते आ रहा हूँ और पिछले 1.5-2 सालों से पूर्ण रूप से सक्रिय रहा हूँ। हिसार लोकसभा क्षेत्र के तमाम गाँव के मैंने दौरे भी निकाले हैं। तो बीजेपी के कैंडिडेट मोदी के नाम से अपील कर रहे हैं, आप किस मुद्दे से अपील कर रहे हैं लोगों से, वोट की अपील किससे? हम तो विकास की बात करते रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के प्रत्याशी, उनके पिताजी पिछले 15 सालों से मंत्री रहे हैं, उनकी माताजी विधायिका रही हैं, लेकिन फिर भी वो उनके नाम पे वोट नहीं मांग रहे, काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप शासन बन जाओगे, उसके बाद आप किसानों के प्रति क्या मुद्दा लेके आवाज़ उठाओगे संसद में? देखो, किसानों के बहुत मुद्दे हैं जी, उनको आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, ना बिजली मिल रहा, ना पानी, ना उनकी फसलों की खरीद हो रही है, ना उनको उचित दाम मिल रहा। आज हमारे किसान खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, दालवाई कमेटी रिपोर्ट, जिसकी इसका वादा भाजपा ने 2014 में किया था इंप्लीमेंट करने का, उसको इंप्लीमेंट करने की आवाज़ उठाऊंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक ढोंग रची गई है किसानों के खिलाफ और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसको बदलने के का प्रयास करूँगा। और उसकी बजाय एक किसान फ्रेंडली फसल बीमा योजना की वकालत करूँगा। इस प्रकार की कई चीज़ें मेरे मन में हैं जो मैं किसानों के लिए करूँगा। तो आज आपने के कम से कम 15-20 गांव का दौरा किया है, तो कैसा महसूस, कितना प्यार प्रेम मिला लोगों से? बहुत प्यार है, क्योंकि हमारा पारिवारिक रिश्ता है। चाहे बरवाला हल्के की बात करें, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हमारा लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। तो बहुत भारी जनसमर्थन देखने को मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद है, युवाओं में जोश है। तो आपकी टक्कर किस पार्टी से? टक्कर किसी से नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर की टक्कर है भाजपा और जजपा के बीच में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। साथ राम निवास गोड़ लगे लड़के हैं, तो भाई साहब आप बवाई बिश्नोई के साथ घूम रहे हो, क्या पोजीशन दिख रही है यहाँ पर? पोजीशन नंबर 1 है जी कांग्रेस पार्टी की और भाई बवाई बिश्नोई जी की, और हम सभी जो कांग्रेस पार्टी के बरवाड़ा हल्के से जितने भी कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता हैं, सभी एकजुट होकर भाई बवाई बिश्नोई जी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं और उनकी पूरी तन मन से पूरी मदद करेंगे। तो कितने वोटों की मतलब लीड लेकर चल रही है? लीड अच्छे वोटों से होगी। अच्छा, धन्यवाद।